दिस वन इज फॉर समवन रियली स्पेशल, जो छाती में वो निकालना जरूरी है। इधर में पारा परी हो गया है, देखिए तरह तरह भाई पहुंच चुके हैं। कपड़ा पहन के बैठा रहता है, फिर बोलते हैं खोल रे कपड़ा, खोल। द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्यूचर। तुझे भाई के जैसे माना था और दिल से की थी बातचीत, तेरी बातें सारी प्यार की सब असल में थी टैक्टिक्स। लेकर संग में घूम रहा था सांपों वाले आस्तीन, और जो रियल मैंने समझा सैड वो सब कुछ निकला प्लास्टिक। इस क्रेजी कैसे चेंज हो रहे आपस में सारे रिश्ते। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है, आज सुबह सुबह निकलने का प्लान था, संडे राइड का भी था, सारा चौपट हो चुका है क्योंकि देर से उठे है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फटाफट निकल रहे फॉर नॉर्थ गुवाहाटी। जैसे कि बोले थे कल छोटा मोटा मीटअप भी है, वहाँ पे एक व्यू फंक्शन हो रहा है, और इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर पहले स्टोरी वगैरह भी डाल दिया है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू गाइस, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों बच्चे बड़े मिले सुनते हैं, फिर से स्वागत करता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक है, मजे में है, चंगे है, और जहां भी है ताबड़ तोड़े भाई साहब फटाफट निकलते हैं। एक कॉमेडी हुआ है, क्या कॉमेडी हुआ है बता रहे, फटाफट निकलते क्योंकि लेट हो चुका है, भाई लोग भी इंतजार कर रहे हैं, इमरान भाई और शाहनवाज भाई, मिलते हैं उनसे और मोटर ग्रुप में बताते हैं कॉमेडी हुआ है आज। सो फाइनली गाइस निकल पड़े हैं नॉर्थ गुवाहाटी के लिए। तो दो तीन दिन पहले दीपोरबिल से वापस आने के टाइम पे जो मछली लेके आए थे, तो ग्लोव्स का हाल जो है बेहाल हो गया था, अभी धूप में सुखा सुखा के धो धा के ठीक कर लिया है। और जैसे कि बोल रहे थे गाइस, कुछ एक कॉमेडी हुआ है, कॉमेडी कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आपने अगर देखा होगा हमारा लास्ट वीडियो, हम बोल रहे थे हमारे गली के बारे में, हमारा गली का हालत क्या बताए भाई साहब, एकदम बेकार वाला हालत हो रखा है, पता नहीं कब ठीक होगा। तो कुछ दिन पहले से फिर इलेक्शन का कैंपेन वगैरह चल रहा था, तो हमारे ही गली में एक मैडम है जो इलेक्शन पे खड़ी हुई थी। तो आज इलेक्शन का रिजल्ट आया था, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन का, तो जो विजेता है हो चुकी है मैडम जी। दो दिन पहले आके वादा करके गई थी कि गली वगैरह सब कुछ बना देगी, और आज रिजल्ट आ चुका है, तो बहन साहब जो है जीत चुकी है। तो मेरी मेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू, और ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत तो सुन लिया है, बाकी अभी मैडम के ऊपर डिपेंड करता है, मैडम फटाफट रास्ता बना दे तो ठीक है। यही थोड़ा कॉमेडी है कि कल ही बोल रहे थे गली के बारे में, और आज ही देखो इस बार तो भाई साहब जाने नहीं देंगे ऐसे, गली तो बनाना ही पड़ेगा। 510 का 150 रुपए कब होगा? 105 कब होगा? 150 रुपए वही पूछ रहा हूँ मैं। मोदी सरकार को पूछना पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी को पूछना पड़ेगा, चलो ये भी ठीक है। हाँ हाँ, बहुत कम है, सस्ता पेट्रोल है 105 रुपए का, 150 होना चाहिए, हर जगह महंगा ही है, पेट्रोल में और महंगा होना चाहिए। किडनी काट के पेट्रोल लेना पड़ेगा दो दिन बाद। अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, पानी है, उठा ले टंगरी, उठा ले भाई साहब, टंकी के ऊपर टंगरी, टू मच फन करते हुए जा रहे भाई साहब, क्योंकि जूता देखो, जूता लाल लाल जूता, स्वैग वाला जूता, इसको नहीं गंदा कर सकते। सॉरी ब्रो, आई एम लेट ब्रो। ये क्या है, तुम्हारा गाड़ी है भाई साहब? क्या बना दिया बाइक को? अरे रे, अरे भाई साहब देखो, मिरर हटा के बारेन लगा लिया है, रेक्सा लुक्स ब्यूटीफुल। और पीछे का क्या हुआ? पीछे तो पूरा नंगा कर दिया तूने। टेल टाइटी लगेगा? और एग्जॉस्ट? नहीं नहीं नहीं, कमेंट देखा मैं, भाई लोग बोल रहे थे एग्जॉस्ट लगा ले, बहुत बढ़िया बढ़िया लुक आ रहा है एकदम, नेकेड बीस्ट। तो फिर निकलते, वैसे भी लेट हो चुका है। क्या क्या डायलॉग क्या? रेक्साइज सेक्सा, वो मुझे कैसे कैसे लोग मिले, मीठी मीठी सी वो सारे करे बातचीत, जिसे जानने का मौका मिला बोला अरे ये तो सारे 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 प्लास्टिक। क्या बोल रहा था भाई, तेल डालना है तेरे को? कहाँ तेल डालना है? चाय थॉट अलग जगह में। बाइक पीछे से हॉर्न मार रहे, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मैं तो पूरा भगा रहा हूँ फुल ऑन। गजब लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बट ये नंबर प्लेट वगैरह शायद मरण भाई का अब तक आया नहीं होगा। और कुछ बोल रहे थे भाई, टेल टाइडी लगवाएंगे, बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि रेक्सा देखने में अभी कैसा लग रहा है। रेक्सा इज रियली सेक्सा और टाइटाइफूस भाई साहब, फुल पावर। हम लोग फुल पावर भगा कर आए यहाँ तक हाईवे तक, अभी पहुँचने वाले हैं जालुकबारी, और फटाफट पहुँच जाएंगे हम लोग नॉर्थ गुवाहाटी आमिनगांव साइड भी। और फिलहाल टाइम आई गेस 3 बजने वाला है ऑलमोस्ट, साथ में हमारे शाहनवाज भाई का डोमिनर भी, ब्यूटीफुल। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, सुबह पनवेल भी निकलना है। अरे ये क्या है भाई? अच्छा ये इलेक्ट्रिक कार है, टाटा का। इलेक्ट्रिक कार में नंबर प्लेट ग्रीन होता है, प्राइवेट कार में व्हाइट, भाड़े के गाड़ी में येलो। बट ये कौन सा मॉडल था, मतलब टाटा का कौन सा इलेक्ट्रिक कार है, क्या आपको पता है गाइस? विनर विनर चिकन डिनर, चिकन को काफी गर्मी लग रहा होगा, हवा खिलाते खिलाते लेके जा रहे। तो पहुंच चुके हैं गाइस फाइनली नॉर्थ गुवाहाटी, और यहाँ पे आमिनगांव में घुसने के बाद ही एक टनल है, टनल में तो भाई साहब गोप्रो ऑन करना ही पड़ेगा, इधर का इज्जत का सवाल है। तो आमिनगांव क्रॉस करके ये वाला रोड पे मैं पहली बार आ चुका हूँ, ये दुर्गेश्वर मंदिर का रोड है, मैं डोल गोविंद मंदिर तक आया था और गया था नदी के किनारे, बट दिस इज न्यू फॉर मी। नॉर्थ गुवाहाटी साइड ना हाजू साइड के जैसा ही है, और यहाँ पे हाजू वाला वाइब्स बहुत है। तो ये है दुर्गेश्वरी मंदिर, अभी फोन घुमाना पड़ेगा भाई साहब कि कहाँ है मीटअप, मेरे को भी आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम आया हूँ इस तरफ। यहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए, अभी एक साथ हम लोग जाएंगे, लेट्स गो। कुछ भाई लोग मिल गए यहाँ पर, ताबड़तोड़ स्क्वाड, एक हमारे साथ पिलियन बैठे हुए हैं, और बाकी के भाई लोग भी एक ही साथ आ रहे हैं।
ऊपर से उज्जल था और समीर उनको कॉल किया था, ये लोग फोन नहीं उठा रहे, शायद बिजी होंगे, आगे बढ़ रहे हैं लेंगला की ओर। लेंगला या लेंगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो यहाँ पे और कुछ सब्सक्राइबर मित्र बोलना पड़ेगा, हेलमेट वेलमेट पहनो यार, बिना हेलमेट के जो से उमंग ज्यादा हो जाएगा तो टाइट फूस हो जाएंगे भाई साहब। हेलो हेलो, लेट हो गया ना भाई एकदम में। हेलो हेलो, तुम तो पीले नहीं थे मेरे। फाइनली आके पहुंच चुके हैं लेंगा ना भाई, लेंगा लेंगा लेंगा, लेंगा। और यहाँ पे चल रहा है बिहू फंक्शन और विकास भाई और यूके भाई और सारा टीम जो आधा घंटा पौने घंटा पहले पहुंच चुके हैं, हम थोड़ा लेट है। यहाँ पे चल रहा है सब कुछ फंक्शन वगैरह, बहुत सारे भाई लोग मिले, बाइक जहाँ पे पार्किंग करके आए हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है फंक्शन। हेलो हेलो, जय अहम जय अहम। इधर में पारापारी हो गया है, देखिए जरा। मैं सुपर से भी ऊपर क्योंकि डीनो सुपरमैन है, शुरू से नीलेश हिमांशु और साथ में शादाब रैने, ऊपर वाले का हाथ सर पे मेरे और 7 करोड़ फैन है, पर तेरा क्या होगा नकली प्लास्टिक वैसी बैन है ये। ऊपर वाले मुझे कैसे कैसे लोग मिले, मीठी मीठी सी वो सारे करे बातचीत। गुवाहाटी सिटी से भी खतरनाक वाला ट्रैफिक, सही बोले। बाय 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 बाय, चलो 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 भाई साहब, फुल ऑन गर्मी चालू, फट निकलते हैं। बाय बाय भाई, बाय 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 बाय। भाई फुल रास्ता जाम लग चुका है, पैक पूरा, फुल्ली पैक, पूरा नॉर्थ गुवाहाटी उठ के आ गया है। जोश देखो भैया, अरे बाप रे बाप, खतरनाक। अकेला दर दर घूम रहा है लेके है तू दिलों की, तू आदमी पूरा फेके, सुन ले खोखले साले पीओपी, जो सच में तेरे साथ है सबकी मारी तूने लाइन से, सब दिल से तेरे साथ है पर तू खेल रहा था माइंड गेम, मुझे गुस्सा नहीं तरस आता है, सब बीमारी के साइन है, तुझे मदद की जरूरत है, व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ रे। अरे रे 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 रे, धीरे धीरे चलना चाहिए था, धीरे धीरे चलना चाहिए था। सो गाइस, अभी अभी कांड हो गया भाई साहब, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। इसलिए हम पीछे पीछे जा रहे थे क्योंकि पता था कोई ना कोई बीच में ब्रेक मारेगा तो पीछे का गाड़ी आगे के गाड़ी का चुम्मा देते हुए गिर जाएंगे। तो पीछे पीछे बड़े आराम से हम लोग जा रहे थे, हम और इमरान, और जो फुटेज आपने देखा तो इमरान भाई का गोप्रो का फुटेज है, हमारा गोप्रो ऑफ था इसलिए। हाँ चल चल चल, ओके अभी दो गाड़ी के बीच में चलना पड़ेगा। क्रेजी सीन्स अगेन मैन, मेन रोड में ट्रैफिक जाम हो चुका है। हाँ हेलो, जय हिंद सर, जय हिंद। विकास के वहां पे जाना है ना, होटल में जाना है। तो भाई तेल और दाम जी बारसी तेल से लेने पूरी इशू। बहुत तेज हो रहे हो, समझ रहे हो समझ रहे हो, मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं। ए पीछे पुलिस वाला है, मार देगा भाई। सो गाइस, आके अभी पहुंचे हैं दिचांग रिजॉर्ट और यहाँ पे देखिए गाइस, विकास भाई, अनुराग भाई और भृगु भाई सब लोग है यहाँ पर। तू काटे हमको देता रहा पर हमने देखो बोके दिए, जानबूझ के चौके दिए और साथ खेलने के मौके दिए। अभी हम लोग तबाही वाला मीटअप निपटा करके पहुंचे थे वापस, एंड लुक हु वी आर, वेरी गुड, ऑलराइट। जुगाड़ ठीक है ना मेरा भाई, बढ़िया जुगाड़ है एकदम। तो यहाँ पे भृगु सर से पहली बार मिल रहा हूँ मैं। सर का कुछ अभी शो है ना आगे जाके? हाँ हाँ, आज मेरा शो है शायद नौगांव, नौगांव के इस पार पे है कार्बी आंगलोंग विच इज माई होम डिस्ट्रिक्ट, उस पार पे है दोबोका, फिर नौगांव। आपका गाना मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और बेस्ट ऑफ लक आगे के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक से पूरे वर्ल्ड को बताओ जो आप लोग अभी कर रहे हो, ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्यूचर, से काम करो। मेरा कोशिश जारी है, थैंक यू। सो गाइस, आज का हो गया मीटअप वगैरह खत्म, कैसा था मीटअप आज का? खतरनाक खतरनाक, एकदम भयानक था एकदम पूरा। आप तो पहले आ गए, बाद में लुढ़क गए लोग, मतलब एक्चुअली बिहू था उधर में, तो बिहू में हम लोग को बुलाया था, एक्सीडेंट हो गया था, बुरा लग रहा था। वो तो पता नहीं था वो कैसे हो गया, तो आप बोल रहे थे बोल रहा था मैं, यूके आगे था ना तो पीछे बहुत ये लोग यू नो ऐसे ऐसे चला रहे थे, तीन या चार बाइक एक ही साथ, वो करना नहीं चाहिए। हम लोग यहीं पे जाते तो आप लोग ऐसे मतलब अभी बोल भी नहीं, मत आओ बोल भी नहीं सकते, नहीं सकते, लेकिन वो सेफ्टी लेके आओ ना, इसलिए मैंने बाइक चलाना कम कर दिया। मतलब
इसलिए गाड़ी ले लिया ना, प्यार बना रहना चाहिए, बाइक हो गाड़ी हो स्कूटी हो ठेला हो साइकिल हो कुछ भी हो, लेकिन प्यार प्यार है वहाँ हम। बाकी अभी रोड ट्रिप का जो बोले थे प्लान और उसके बारे में फटाफट चालू होने वाला, बट आई डोंट थिंक सो कि लंबा होने वाला, छोटा सा होगा, लंबा भी हो सकता है, मतलब कुछ भरोसा नहीं, एक बार बोलते एक दिन, एक बार बोलते पांच दिन, तो अब श्योर नहीं है, मतलब जो बोल होगा ना हमेशा होता है मेरे साथ ही होता है, आप उतना रहते रेडी जाने के लिए, मैं कपड़ा पहन के बैठा रहता हूँ, फिर बोलते हैं खोल रे कपड़ा खोल, बेचारा मैं देख रहा हूँ जाने के लिए रेडी होता है, उसके बाद प्लानिंग नहीं, ये कैंसिल नहीं अब तक, आप तो रात करके आ गए ना कोकराझार, कोकराझार का तो हो गया, लेकिन अभी पहाड़ में जाना है, पहाड़ में चला एक दिन के लिए भी होने जाना, कारगिल में जाइए जहाँ पे जो नहीं सकते, यहाँ से बहुत सारे बाइकर घूम के जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, पूरा चल रहा है यहाँ पे, पूरा फुल ऑन मस्ती चल रहा है। बस ईमानदारी मांगी थी और वो भी तू ना दे सका, पत्थर के सनम साले अपने सनम को ही है ठगा, बस वफादारी मांगी थी तू निकला सनम बेवफा। चलो भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला प्लानिंग चल रहा है, मतलब पहले तो प्लानिंग बहुत लंबा चौड़ा था, फिर अभी सुनाई दिया कि छोटा सा प्लानिंग होगा, फिर लंबा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, मतलब प्लान जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन जो है राइड जो है फटाफट चालू होने वाला बॉस। अगर जिंदगी से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, तो लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारे मर्चेंडाइज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके मर्चेंडाइज सपोर्ट भी कर सकते हो। तो वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते, आज का वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट, या तो वीडियो देखते हो अच्छे जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ट्रेज एंड ड्रीम बिग बी पैशनेट, ऑलवेज राइट सेफ, ऑलवेज राइट सेफ, माय ब्रदर एंड डोंट ट्रबल योर मदर। बाकी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, फटाक से टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय गाइस, और गाइस राइड हार्ड बट राइड सेफ, और हेलमेट पहन के आना नेक्स्ट टाइम जब भी मीटअप में आते हो, हेलमेट वगैरह पहन के आना गाइस, क्योंकि आज जो हुआ ना नेक्स्ट टाइम होना नहीं चाहिए। बाय बाय।